हेलो एवरीवन, आज है 16 फरवरी और आज इस वीडियो में हम 6 ऐसे शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका टारगेट टारगेट आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इतना बड़ा टारगेट दिया है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA ने। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस CLSA केम आउट विथ इस रिपोर्ट, तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट यहाँ पे दी है और वहां पे उन्होंने अगर ग्लोबली देखा जाए तो 31 स्टॉक्स के बारे में बात की है जिनका टारगेट उन्होंने काफी बढ़ाया है, जिसमें 6 इंडियन स्टॉक्स भी है। ठीक है, वो और ये है कि विच कुड गिव फैब्यूलस रिटर्न इन गोइंग अहेड। तो उनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये 6 कंपनियां आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न दे सकती है। तो इस वीडियो में हम उस 6 कंपनियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम उन 6 कंपनियों के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला नाम है, वो सबसे पहला नाम है उनका जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। तो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज का अभी शेयर ट्रेड कर रहे 431 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है और उन्होंने टारगेट दिया है 670। ठीक है, 600 मतलब 55% का ग्रोथ आपको इसके शेयर्स में देखने को मिलेगा और काफी बड़ा टारगेट है मेरे हिसाब से। और दूसरा शेयर है ONGC। ONGC का टारगेट उन्होंने दिया है 225 रुपए। 225 रुपए का टारगेट, मतलब 70% रिटर्न। हाल फिलहाल में ONGC ट्रेड कर रहा है 135 पे, तो 135 पे ट्रेड कर रहा है और 225 का टारगेट दिया हुआ है। ONGC की बात करें, देखिए लार्ज कैप स्टॉक है, 1,70,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखो ये दूसरा शेयर है। तीसरा शेयर है कोल इंडिया। ठीक है, कोल इंडिया का टारगेट है 310 रुपए का टारगेट है, जबकि कोल इंडिया अभी ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 220 रुपए पर ट्रेड कर रहा है कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में दिक्कत वाली कुछ बात नहीं है, लेकिन लेकिन जो दिक्कत वाली मुझे बात कोल इंडिया में लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसके अगर मैं पिछले 10 साल का अगर मैं डेटा निकाल रहा हूँ, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो चलिए हम 3 साल का डेटा निकालते हैं। तो कोल इंडिया में मैं अगर देख रहा हूँ तो 3 साल में देखें कि 216 का लो है और 350 का हाई इसने बनाया है, लेकिन इसके शेयर्स में हमेशा अप्स एंड डाउन्स लगी रहती है। अगर तेजी है तो गिरावट आ ही जाती है, गिरावट आ जाती है तो तेजी आ जाती है। तो कोल इंडिया का शेयर में उन्होंने भले कहा है कि 310 टच करेगा और शायद वो 310 रुपये तक जा भी सकता है, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा गिरावट भी आएगी। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन जब गिरे तब खरीद लीजिए, प्रॉफिट मिले तो बेच दीजिए, क्योंकि उसके शेयर्स में जब जब तेजी आएगी तब तब गिरावट भी आएगी। और चौथा शेयर है भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय एयरटेल चौथा शेयर उन्होंने रखा हुआ है, 425 रुपए का टारगेट दिया है, 41% रिटर्न इन्होंने बताया है। अब 304 पे ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं भारतीय एयरटेल का, हाल फिलहाल में 304 रुपये पे ट्रेड कर रहा है ये शेयर और 1,21,000 करोड़ का मार्केट कैप है भारतीय एयरटेल का। और यह है कि देखिए उन्होंने रीजंस भी बताए यहाँ पे भारतीय एयरटेल को कि उन्होंने क्यों रखा हुआ है। तो भारतीय स्टॉप फोकस रिमेन टू गेन शेयर इन 4G बैक्ड बाय नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बंडल एंड कंटेंट पार्टनरशिप। ठीक है, तो जैसे सबको पता है कि भारतीय एयरटेल 52% के रिटर्न 4G एडिशन बंडल वेल सिंस अपग्रेड ऑफ 4G विद ड्रिवन रेवेन्यू। तो देखिए इनका रेवेन्यू में काफी अच्छा है, और अगर भारतीय एयरटेल का अगर मैं अभी जो नए उनके नतीजे आए हैं तो हालांकि उतने अच्छे नतीजे नहीं है, देखिए कॉन्स्टेंटली गिरावट है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने भारतीय एयरटेल यहाँ जरूर रखा है 425, लेकिन इस पे मुझे थोड़ा डाउट है, भारतीय एयरटेल पे मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे नहीं लगता कि ये शेयर 425 तक जा सकता है, शायद अगर चला भी जाए ले तो वापस इसमें गिरावट भी आ जाएगी, क्योंकि देखिए इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आता हुआ है, कॉन्स्टेंटली ये नीचे आ रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो कहीं ना कहीं वो मुझे थोड़ी सी दिक्कत लग रही है, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
तो भारतीय एयरटेल के अलावा भी और भी बहुत सारे शेयर है खरीदने के लिए। पांचवा शेयर है एसीसी, एसीसी पांचवा शेयर है, टारगेट है 1800, 1800 का टारगेट है और अभी ट्रेड कर रहा है 1350 रुपये के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और अब देखा जाए तो 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लार्ज कैप स्टॉक है, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। इसके नतीजे आए हैं बहुत बेहतरीन नतीजे हैं, आप देखिए 250% का ग्रोथ दिखा है नेट प्रॉफिट में। जो नेट प्रॉफिट दिसंबर 2017 में 205 करोड़ का था वो सितंबर 2018 में इंक्रीज हो गया 209 करोड़ का रहा, लेकिन दिसंबर 2732 बहुत ही बढ़िया रिटर्न इसके शेयर्स में देखने को मिला है। तो अग्री करते हूं मैं भी इसमें। अब देखिए प्रमोटर्स की 50.5005% की होल्डिंग है और प्रमोटर्स के द्वारा कोई भी शेयर यहां पर गिरवी रखा हुआ नहीं है, तो अच्छी बात है ये। तो डेफिनेटली इस पे भी नजर रखनी चाहिए। और इसकी बात करें तो देखिए 140% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको 14 रुपये यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये पांच शेयर है और चौथा शेयर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, 450 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। सॉरी सॉरी 450 रुपये का टारगेट दिया हुआ है और जो ट्रेड है 303 रुपये पर यह शेयर ट्रेड कर रहा है। और देखा जाए तो लार्ज कैप स्टॉक है ये भी, 43,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और 15 लाख शेयर्स का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। अगर मैं पिछले 3 साल का अगर मैं डेटा निकालूं तो 3 साल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि 3 साल का डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2016 के बाद से इसने लिस्टिंग स्टार्ट हुई है, लेकिन इस बीच 283 रुपीज का लो बना है और तकरीबन 500 रुपये का हाई बना है। देखिए शेयर ऑलमोस्ट आपको फ्लैट लगेगा, लेकिन इस बीच काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है। तो इसके साथ भी मैं अग्री करता हूं कि डेफिनेटली इसका भी प्राइस आपको आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। जो नतीजे भी आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है लेकिन उतने बुरे भी नहीं है। देखिए जो नेट सेल दिसंबर 2017 में 6,795 करोड़ था वो इंक्रीज हुआ सितंबर 2018 में, तो वो 7,600 करोड़ का रहा, लेकिन दिसंबर 2018 में कम हुआ 7,480 करोड़ के आसपास का रहा, मतलब 1.56% की गिरावट है। नेट प्रॉफिट में भी हालांकि 1.36% की गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए प्रमोटर्स की होल्डिंग 52.87 है और प्रमोटर्स के द्वारा एक भी शेयर यहां पर गिरवी नहीं है और डिविडेंड की 16% का डिविडेंड भी पे कर रहा है। और जिस सेगमेंट में है, ठीक है, जो लाइफ लाइफ इंश्योरेंस और जो जिस सेगमेंट में है, तो डेफिनेटली ये वो सेगमेंट है जिसमें गिरावट आने की संभावना उतनी ज्यादा नहीं रहती है। और एक बड़ी कंपनी का नाम जुड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से इसमें काफी ज्यादा तेजी आ सकती है। तो जो 6 कंपनियां उन्होंने चुनी है, पहली जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज। तो जी एंटरटेनमेंट की अगर सिर्फ एक ही दिक्कत है मेरे हिसाब से, वो है कि देखिए प्रमोटर्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा शेयर्स यहाँ पर गिरवी रखे हुए हैं। तो जी मेरे हिसाब से जो उन्होंने टारगेट दिया है 670, वो शो मुझे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। नो डाउट उनके प्लान्स अच्छे होंगे आने वाले दिनों में, उनके प्लान्स अच्छे होंगे जो सोनी के साथ वो लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लान्स अच्छे होंगे, लेकिन मुझे 670 उतना नहीं लग रहा है। मेरे हिसाब से जी अगर जा सकता है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो 600 रुपये तक जा सकता है, लेकिन बाद में गिरावट भी आएगी इसमें, इसमें गिरावट भी आएगी क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी जब गिरवी होती है तब डेफिनेटली शेयर्स में आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर निकल आती है। ओएनजीसी की बात कर रहे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बढ़िया स्टॉक्स है, आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपको अच्छा रिटर्न देगा ये आपको। और जो 225 लिखा है तो कम से कम 200 तक तो जरूर जाएगा ऐसा मेरा मानना है। कोल इंडिया की बात करें तो देखिए 310 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन जिस तरीके का इसका प्राइस चार्ट देखने को मिल रहा है तो उसके हिसाब से तेजी आएगी तो गिरावट भी आएगी, तो गिरेगा जरूर ये जब जब ऊपर उठेगा। और चौथा शेयर भारतीय एयरटेल है, 425 का टारगेट दिया है और यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है हाल फिलहाल में 304, तो मुझे नहीं लगता कि 425 जा सकता है, लेकिन 400 तक जरूर जा सकता है ये शेयर और गिरावट भी आएगी क्योंकि
इनका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है रिलायंस जियो, तो वो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट जरूर पड़ रहा है इनके प्रॉफिट पर। तो देखिए इनके इनका रेवेन्यू कम हो गया जब से जियो मार्केट में आया है। और बाकी एसीसी और आईसीआईसीआई डेफिनेटली अच्छे शेयर्स हैं, तो छोटी क्वांटिटी आप इसमें उठा सकते हैं। और ये मेरा कहना नहीं है, ये जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है सीएलएसए, ये उनका कहना है, उनकी रिसर्च है, ये एक बड़ी कंपनी ने रिसर्च की है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सोच समझ के ही रिसर्च की है। तो आप भी अपनी तरफ से खुद रिसर्च कीजिए, देखिए कि आपको इसमें खरीदारी करनी है या नहीं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ अभी इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।